पुणे के बोबदेव घाट में एक गैंगरेप की घटना सामने आई है। हमारे साथ पुणे के जॉइंट सीपी रंजन शर्मा सर है। सर, क्या घटना हो चुकी है, इसमें कोई गिरफ्तार किया है क्या? कल रात को कोंडवा पुलिस स्टेशन के बोबदेव घाट में एक जो है रेप का केस रजिस्टर हुआ है। उसके अनुसार 3 अननोन पर्सन ने यह घटना किया है। इसकी जाँच के लिए और आरोपियों को निष्पन्न और उनको पकड़ने के लिए इमीडिएटली जो है सो 10 क्राइम ब्रांच और डिटेक्शन ब्रांच की टीम लगा दी गई है। उसके साथ सारी टेक्निकल टीम्स भी काम कर रही हैं। अभी तक इसमें जो है सो लोगों को जो है सो डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। एक बार आरोपी निष्पन्न होने के बाद ये सब चीज़ें जो है सो मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। जिनके साथ ये घटना हुई है उस किस चीज़ के लिए घाट में गए थे, उसको कोई पूछताछ की कोई जानकारी सामने आई? जो पीड़ित लड़की जो है अपने फ्रेंड के साथ बोबदेव घाट में ऐसे ही घूमने के लिए गए थे और जहाँ पे उस दौरान ही 3 अननोन पर्सन आके उसके ऊपर जो है ये अति प्रसंग की जो घटना हुई है उसको किया है। तो अभी लड़की जो है कॉन्शस है और उसने स्टेटमेंट दिया है। उसके बेस पे जो है FIR रजिस्ट्रेशन का काम चालू है। कितनी टीम अभी पूरी जाँच के लिए आपने लगाई है, कब तक ये जांच पूरा होगा और सस्पेक्टेड कोई आदमी हिरासत में लिए? इसमें अभी 10 टीम जो है सो अपने क्राइम ब्रांच DV की टीम लगी हुई है। इसके अलावा टेक्निकल टीम भी सारी लगी हुई है। अभी तक अलग अलग लोगों को जो है सो पूछताछ की जा रही है, लेकिन एक बार निष्पन्न होने के बाद इसकी पूरी जानकारी जो है सो शेयर की जाएगी। सर, पिछले कुछ दिन में लगातार ये घटना पुणे सिटी में बढ़ रहे। कल वानोड़ी पुलिस स्टेशन में 2 माइनर लड़के के ऊपर लैंगिक इसके केस हुई थी, आज घाट एरिया में ऐसे हो गए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और सिक्योरिटी सिटी में है कि नहीं, ऐसे लोग सवाल अभी ये करें? नहीं, इसमें जो 2-3 इंसिडेंट अलग जो हुए हैं वो सब में जो है सो आरोपी लोग सारे नोन हैं। एक में तो उसका फादर है, एक में टीचर है, एक में वैन का ड्राइवर है। तो ये सब चीज़ें जो है जिसको ऊपर उसकी सुरक्षा की जवाबदारी है उसके तरफ से ही गैरकृत्य हुआ है। तो ये एक सोशल रिफॉर्म का विषय है, लेकिन पुलिस के पास जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई पुलिस ने इमीडिएट जो है उसमें FIR रजिस्ट्रेशन किया है और जो भी आरोपी हैं उसको जो है सो अरेस्ट करने का काम किया है। ये घटना थोड़ी अलग है। ये घटना में अननोन पर्सन जो कि किसी भी एंगल से अभी तक रिलेटेड नहीं है उन्होंने इसको अंजाम दिया है और इसको काफ़ी सीरियसली लेते हुए सारे सीनियर ऑफिसर्स ने जो है सो एरिया में अलग अलग विजिट किया है और अलग अलग तरीके से उसमें जो है गाइडेंस कर रहे हैं और सारी टीमें जो है इसमें काफ़ी जो है सो मेहनत से और सीरियसली काम कर रही है और हमें लगता है कि जल्द से जल्द जो है आरोपी निष्पन्न होंगे और हम उनको जो है सो पकड़ लेंगे। मतलब इस केस में कोई छुटेगा नहीं? नहीं, इस केस में जो भी आरोपी होगा उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन जो भी है वो सारे किए जाएंगे। इस केस में जो भी लीगल एक्शन है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी, इसी प्रतिज्ञा रंजन शर्मा सर ने दी है। कैमरा पर्सन विकी के साथ में प्रदीप कापसे, TV9 भारतवर्ष, पुणे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।